तो पर मुसलमानों को शिकायत है कि इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, ना इनका सियासी कायद है, ना ही सरकारी दफातर में इनके मसाइल हल करने वाला कोई अफसर है। मुसलमान इस तंग नजरी का शिकार हो चुके हैं कि इनके लिए सहारा कोई नहीं है, पुलिस इनकी नहीं है, मीडिया इनका नहीं है, इनके अपने तालीमी इदारे नहीं हैं, और जो तालीमी इदारे हैं वो इनके बच्चों पर ख़ास तवज्जो नहीं देते। ये शिकायतें यकीनी तौर पर बजा हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुसलमानों ने इन तमाम शोबों के लिए अपनी हिस्सेदारी क्या दी है। मुसलमानों ने अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाकर सरकारी ओहदों में भेजने की जुरात नहीं की है, ना ही इनके बच्चों को पुलिस में शामिल करवाने के लिए अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई की है। न मुसलमानों के बच्चे वकालत की तालीम हासिल करते हुए वकील बने हैं, न जज के ओहदों पर फायज हैं। जो मुसलमानों का अपना मीडिया है, उस मीडिया को लेकर मुसलमानों में ही बदगुमानियाँ पैदा करना इनका शेवा बन चुका है। जो मुसलमानों के तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों पर मुसलमानों को ही भरोसा नहीं है, और इन्हीं मुसलमानों के तालीमी इदारों के ताल्लुक से बहुत सारे शिको शिकबात हैं, और वो अपने इदारों को बदनाम करना अपनी शान समझते हैं। मुस्लिम तालीमी इदारों में जो फीस मांगी जाती है, उस फीस को अदा करने के लिए सैकड़ों सिफारिशें, दर्जनों मन्नतें करते हुए फीस में रियायत हासिल करते हैं, जबकि गैरों के यहाँ मुँह मांगी फीस देना अपनी शान समझते हैं। मुसलमानों ने अपनी नस्लों को शॉर्टकट में पैसे कमाने वाली नस्ल बनाना फ़ख्र समझा है, जबकि संघ परिवार का तरीक़ा बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए आज संघ परिवार पूरे मुल्क में अपनी हुकूमत चला रहा है। संघ परिवार के लाखों रजाकार अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर सिर्फ आरएसएस के एजेंडे को पाए तकमील पहुंचाने के लिए पाबंद हैं। जो मुसलमान 16-17 सालों में हुकूमतें कायम करने वाले थे, आज उनके 16-17 साल के बच्चों के हाथों में लाखों रुपयों के मोबाइल मोटर बाइक मौजूद हैं, जबकि संघ परिवार अपनी इस उम्र की नस्लों को मुस्तकबिल बनाने के लिए तरबियत दे रहे हैं। मुस्लिम कौम की बेटियाँ शादियों में हजारों रुपयों के कपड़े पहनना अपनी शान समझ बैठी हैं, वहीं संघ परिवार से वाबस्ता लोगों की बेटियां आला तालीम हासिल करते हुए आला ओहदों पर फायज हो रही हैं। संघ परिवार ने पिछले 95 सालों की मेहनत से भारत के हर शोबे में अपना कदम जमाया, वहीं मुसलमानों ने आलीशान शादी महल, करोड़ों रुपयों की लागत की मस्जिदें तामीर करने की तहरीक चलाई। जिस कौम के लोग तालीम को अहमियत ना देते हुए रियाकारी को अहमियत देंगे, वो कौम गुलाम ही रहेगी, न कि हाकिम बनेगी। मुसलमानों को अब तो अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी, वरना इसी तरह से अपनी नस्लों को तबाह होते देखना पड़ेगा। कौम मुस्लिम को आलीशान शादी महलों और लाखों रुपयों की मीनार वाली मस्जिदों की नहीं, बल्कि तालीम के मराकज को कायम करने होंगे। हमारी नस्लों को लाखों रुपयों के मोबाइल की नहीं, बल्कि अच्छी तालीम की ज़रूरत है। इस सिमत में मुसलमानों को सोचना होगा। खसूसी पेशकश, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।